नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा शो जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री थे। वे पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक और फिर 1998 में और फिर 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक उसके भी अध्यक्ष रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म और इसके अलावा वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वह 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा ऊपरी सदन में चुने गए। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 2009 तक उत्तर प्रदेश जब स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हुए, अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरा किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण उन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी जिसमें 81 मंत्री थे। 2005 से वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6A कृष्णा मेनन मार्ग से सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को एक लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में वाजपेयी का निधन हो गया। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे। वे भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे और सन 1968 से 1973 तक वे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सन 1957 में बलरामपुर से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजय होकर लोकसभा पहुंचे। सन 1957 की बात की जाए तो 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर इन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी को सौंपा गया। 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम हुए। अटल बिहारी वाजपेयी अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोटक करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ विश्व शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ये सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों और तकनीकी से संपन्न पश्चिमी देशों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की इस सीमा का उल्लंघन न करने के अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त करवाया। इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जानमाल का बहुत नुकसान भी हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार पुनः शून्य हो गए। भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ इतना केवल शेरशाह सूरी के समय में हुआ था।
अटल बिहारी वाजपेयी को 2009 में दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वे बोलने में अक्षम हो गए। उन्हें 11 जून 2018 में किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था, जहाँ 16 अगस्त 2018 को उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।